हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट बॉल। गाइस, बांग्लादेश अफगानिस्तान अभी रिसेंटली 3 ODI मैचों की सीरीज खेल चुकी है, जिसमें से 2 मैच अफगानिस्तान ने जीता था, लेकिन लास्ट और तीसरा ODI जीता है यहाँ पर बांग्लादेश ने। और अब खेलने जा रही है 2 T20 मैच, जिसमें से सबसे पहला मुकाबला होने वाला है 15 जुलाई को। गाइज यहाँ पर सॉरी 14 जुलाई को ये मैच होने वाला है 5:30 बजे शाम में। ये मुकाबला शेड्यूल्ड है गाइज। इस तगड़े मैच की टीम बनाने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाना। ODI में हमने क्लीन स्वीप कराया था आपको, अगर आपको याद होगा गाइस, हमने धमाकेदार विनिंग कराई थी ODI में। T20 में आग लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ आप अपना साथ, प्यार, विश्वास, समर्थन बनाए रखिएगा। जिस तरह से यहाँ तक पहुँचाए हो, अभी रास्ता बहुत लंबा है, आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए, हमारी बात पहुँचनी चाहिए जनता तक। इसके अलावा चैनल में नए हो तो चैनल को फटाक से कर लो सब्सक्राइब। गिव अवे स्पेशल वीडियो रहने वाली है, 2 इजी क्वेश्चन आएंगे आपको, दोनों का जवाब बिल्कुल सही देना है गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ कवर करके देने वाले हैं, कैसे पिच होने वाली है, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, कौन कितने विकेट निकालने वाला है, इसके साथ ही साथ मैच विनर कौन बनेगा, बेस्ट फैंटेसी टीम क्या रह सकती है, GL में हम कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि फाइनल टीम आती है मेरी टेलीग्राम पे, और आपको गिव अवे विनर बनना है, इसके साथ ही साथ हर मैच में पैसा छापना है, तो आपको टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है। वीडियो आप देख ही रहे हो, नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिखेगा मोर बटन का, मोर पे क्लिक करते ही फोन में ओपन हो जाएगा ये पेज। यहाँ पर आपको दिखेगी ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम के साथ हमारे चैनल की लिंक। लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके फोन में ओपन हो जाएगा ये पेज, इसमें आपको ऊपर दिखेगा हमारे चैनल का नेम, यहाँ से आपको हो जाना है ज्वाइन। आप चाहो तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि लिंक से ज्वाइन होना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी कर दिया, ताकि आपको तकलीफ ना हो ज़्यादा। अगर आप चाहो तो आप इजीली आप कमेंट बॉक्स से भी जाके देख सकते हो। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैच होने वाला है सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। पिच के बारे में देखो, मैंने पूरा हिंदी में लिख के लाई हूँ, आप लोग को बहुत पसंद आया था एक दिन, तो मैंने हिंदी में लिख के लाई। पिच देखो बल्लेबाजी के लिए मतलब ऐसे माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज स्कोरिंग पिच है, लेकिन अगर गेंदबाजी में अगर हम देखा जाए ना, तो यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। पिच पे कम उछाल स्ट्रोक खेलना कठिन बना देता है। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, लेकिन अभी आपको स्टैट्स बताऊंगी तो और चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के मैचेस में रन भी बने हैं और स्पिनर के साथ साथ पेसर को भी मदद मिली है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मैच विन, यहाँ स्टैट्स की बात करेंगे गाइस। टोटल 8 मैच खेले गए हैं, चेस करने वाली टीम देखो 8 में से 7 मैच जीती है। एवरेज स्कोर 153, हाईएस्ट श्रीलंका 210/4, लोएस्ट स्कोर UAE ने बनाया यहाँ पर 116/9, 9 विकेट है। यहाँ पर बात करेंगे अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से नीचे का स्कोर 4 बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर देखो 2 बार बना है, 170 से 189 बना है 1 बार, 190+ का स्कोर भी 1 बार बन चुका है। और लास्ट कुछ मैच की बॉलिंग अटैक की बात की जाए, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर आंकड़े भी, कि यहाँ पर स्पिनर के साथ साथ पेसर को भी बहुत अच्छी खासी मदद है। लास्ट जो मैच यहाँ खेला गया है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश का पिच है, तो जो मैच भी खेले गए हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के खेले गए हैं। तो जो आखिरी मैच खेला गया था यहाँ पर खुलना टाइगर वर्सेस कोमला विक्टोरियन के बीच में गाइस, तो यहाँ पर देखो चेस करते हुए कोमला ने मैच जीता था। टोटल 5 ही विकेटें गिरी, जिसमें से 2 विकेट स्पिनर को, 1 इनिंग में 1, 2 इनिंग में 3 विकेट पेसर को, 1st इनिंग में 1, 2 विकेट। फिर एक और मैच देख लेते हैं यहाँ पर गाइस, देखो FRB वर्सेज DD के बीच में जो मैच खेला गया था, इस मैच में यहाँ पर DD ने चेस करते हुए जीता था, डोमिनेट कर दिया था डोमिनेटर ने। तो ये टोटल देखो 13 विकेटें यहाँ पर गिरी थी, जिसमें से स्पिनर को मिली है 8 विकेटें और आपके पेसर को मिली है 4 विकेटें। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 4, सेकेंड इनिंग में भी 4, पेसर को 1st इनिंग में 3, 2nd इनिंग में 1। एक और मैच देख लेते हैं सिलेट यहाँ पर जिसने मैच खेला था खुलना टाइगर के सामने गाइस, इस मैच में सिलेट स्ट्राइकर ने मैच जीता था। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए टोटल 13 विकेटें गिरी थी, जिसमें से 1st इनिंग में स्पिनर को मिली है 3, पेसर को 1, 2nd इनिंग में स्पिनर को 1, लेकिन पेसर को यहाँ मिली है 8 विकेटें। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि पिच किसको सपोर्ट कर रही है, पेसर स्पिनर, डिपेंड आपके टीम पे भी करता है कि आपके टीम में बेस्ट बॉलर कौन से हैं, जो विकेट टेकर बॉलर हैं, जिस तरह से राशिद खान, जिस तरह से फजल अक फारूक है, हमको पता है ये विकेट टेकर बॉलर है। डजंट मैटर कि पिच आपकी स्पिनर की है पेसर की, वो विकेट निकाल के ही देंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ प्लेयर स्टार्ट्स पे टीम ज़्यादा बनानी चाहिए,
पिच स्टार्ट्स इसलिए आपको बताती हूँ ताकि थोड़ा आपको मैचेस का आइडिया रहे कि पिच पे किस तरह के मैच बनते हैं। तो यहाँ पर देखो बात करेंगे अफगानिस्तान में ओपन करने आएंगे गुरबाज, हसदुल्ला जजाई फर्स्ट राउंड बैटिंग आएंगे, इब्राहिम जादरान फिर देखने को मिलेंगे, नाजिबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी बैटिंग बॉलिंग दोनों, करीम जनात फिर देखने को मिलेंगे, उम्र जाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि गेंदबाजी मतलब विकेट टेकर है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं करते लेकिन विकेट निकाल के देते हैं। राशिद खान वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर मेरे अगर माना जाए, अफगानिस्तान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है यार गुजरात टाइटंस की तरफ से, बैट बॉल दोनों से क्या खेला है, मुजीबुर रहमान विकेट टेकर बॉलर, फरीद अहमद, फजल अक फारूकी गेंदबाजी इतनी तगड़ी है। वहीं बल्लेबाजी में अगर हम बात करें गुरबाज बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जब टिक गए तो हिलाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इब्राहिम जादरान भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स की, किसको अपनी टीम में रखना है और किसको ड्रॉप करना है, तुक्के पे नहीं स्टैट्स पे हम लेंगे अपनी टीम में, स्क्रीनशॉट ले लेना। गुरबाज की बात कर लेंगे तो गुरबाज देखो आखिरी के पाँच मैच में सिर्फ और सिर्फ एक मैच में बड़ी इनिंग आई है, गुरबाज का यही हाल है, प्लेयर जबरदस्त है लेकिन टिकना मुश्किल होता है इनके लिए पिच पे। उसके अलावा जजाई की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 27, 6, 18, 24, 17, यहाँ पर इब्राहिम जादरान सबसे ज़्यादा, अगर बैटिंग में मुझे किसी पे इनके पे विश्वास होता है तो वो इब्राहिम जादरान पे होता है, हालांकि रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, दो मैच में देखो अच्छा खेला, लास्ट मैच में फ्लॉप थे। नजीबुल्ला जादरान लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 2, 10, 4, 5 ही 5 मैच में फ्लॉप है। मोहम्मद नबी 2 विकेट 23 रन 1 विकेट विकेट मिल रही है। करीम जनात की बात करेंगे, राइट आर्म मीडियम 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में 41 रन मारे थे। अमृतुल्ला उम्रजाई की बात कर लेते हैं, राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच में देखो 56 रन मारे थे। राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिन 2 विकेट 0-0 2-2, और ये दोनों विकेटें यहाँ पर बांग्लादेशी निकली है। मुजीबुर रहमान राइट आर्म ऑफ स्पिन 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है। फरीद अहमद को भी देखो लास्ट के मैच में विकेट नहीं ली लेकिन उससे पहले देखो विकेट मिल रही थी। फजल अक फारूकी आखिरी के तीनों मैच में देखो टोटल यहाँ पर 8 विकेटें निकाल चुके हैं। एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टैट्स भी आप देख सकते हो नूर अहमद वगैरह के भी, ताकि अगर कोई चेंज होता है तो आपके पास प्रॉपर स्टैट्स रहे। लेकिन बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है तो गाइस देखो यहाँ पर पावर प्ले में बॉल डालेंगे फजल अक फारूकी, उम्रजाई, मुजीबुर रहमान, मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे राशिद खान, मुजीब, फरीद, मोहम्मद नबी, डेथ में बॉल डालेंगे फजल अक फारूकी, राशिद, फरीद और अमृतुल्ला उम्रजाई। यहाँ पर राशिद मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर इस मैच में रहने वाले हैं। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेयर्स बैटल की कि किस खिलाड़ी के खिलाफ कौन सा खिलाड़ी फंसने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुरबाज की तो तस्कीन अहमद ने 5 में 1 बार, नसूम ने 2 में 1 बार, शकीब अल हसन ने 4 में 3 बार आउट किया है। हजरतुल्ला जजाई को अगेन शकीबुल हसन ने 4 में 1 बार, नसूम अहमद ने 2 में 1 बार। इब्राहिम जादरान की बात करेंगे सौरफुल इस्लाम में 2 के 2 इनिंग में, मुजीबुर रहमान ने 3 में 1 बार, नजीबुल्ला जादरान को अगेन शकीबुल हसन 4 में 3, तस्कीन अहमद ने 5 में 1 2 बार, सौरफुल इस्लाम में 3 में। सौरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, शकीबुल हसन और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर शकीबुल हसन, और वैसे भी बांग्लादेश का स्टार खिलाड़ी है यार, और ऑलराउंडर में अगर आप पूरे वर्ल्ड पर भी देखोगे तो शकीबुल हसन एक अच्छा मतलब अच्छे लेवल का खिलाड़ी है। तो यहाँ पर बस आपकी की प्लेयर निकल के आ चुके हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 ओपन आएंगे, लिटन दास, आयराम, गयाराम, फिर देखने को मिलेंगे रोनी तेंदुलकर, काफ़ी ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं रोनी तालुकदार। अगर मैं बताऊं ये बैटिंग से आपको पॉइंट बहुत अच्छा दिला सकते हैं, शंटू भी बहुत अच्छे हैं, हृदय को यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि बैटिंग नीचे आएगी, लेकिन शकीब अल हसन मस्ट पिक रहने वाले हैं। अफीफ हसन, मेहंदी हसन, मिराज मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं। फिर देखने को मिले तस्कीन, नसूम अहमद, हसन महमूद एंड सौरफुल इस्लाम। सौरफुल इस्लाम विकेट टेकर बॉलर है, यहाँ पर बात करें हसन महमूद विकेट टेकर बॉलर है, तस्कीन अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, तसीम और नसूम में से आपको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है कि आपको किसके साथ जाना है, लेकिन हम आपको स्टैट से क्लियर करके दे देंगे किसके साथ जाना है, बस स्क्रीनशॉट लेते रहना है। यहाँ पर लिटन दास राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 35, 75, 26, 13, आखिरी मैच में 53, आखिरी के 5 के 5 मैच में अगर आप देखोगे तो लिटन दास ने अच्छा परफॉर्म किया, हम इनको ड्रॉप करने का सवाल नहीं उठता है कहीं से भी। इसके अलावा तौलकदार की बात करें अगर राइट हैंडेड बैटिंग 32, 14, 14, 11, 4, शंटो राइट हैंडेड बैटिंग
35, 270, 12 एक आखिरी मैच में 11 रन बने थे, 2 राइट हैंडेड बैटिंग, 68, 13, 51, 16 22 सकीबल हसन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, 20 रन 26 रन 15 विकेट 26 रन 25 रन 2 विकेट, लास्ट मैच में 39 रन 1 विकेट। अफीफ हुसैन को यहाँ से कर देना है ड्रॉप, मेहदी हसन को ले लेना है, 37 रन 1 विकेट 48 रन 3 विकेट 25 रन 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेट मिली है तस्कीन अहमद राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 3-1, 4-1, 2 पाँच के पाँचों मैच में विकेट मिली है नसूम अहमद लेफ्ट आर्म लेग स्पिन 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में मिली थी 7 विकेट, हसन महमूद राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। लेकिन शोरीफुल इस्लाम की अगर बात करें लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 4 विकेट, आखिरी के 2 मैच में 9 विकेटें निकाल चुके हैं शोरीफुल इस्लाम, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, मैं बार बार बता रही हूँ मिस मत करना इन सब लाइनों को मेरे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टार्ट भी, आप देख सकते हो बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर गाइस देखो पावर प्ले में बॉल डालने आएंगे तस्कीन शोरीफुल नसूम, मिडिल में बॉल डालेंगे हसन महमूद शकीब नसूम अहमद, डेथ में बॉल डालेंगे तस्कीन हसन महमूद एंड शोरीफुल इस्लाम, शोरीफुल इस्लाम शकीब अल हसन, इसके अलावा तस्कीन और हसन में से कोई एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं प्लेयर्स बैटल की कि कौन सा खिलाड़ी किसके खिलाफ फंसने वाला है। लिटन दास को राशिद ने 3 में 1 बार चलते बना किया, मुजीबुर रहमान ने 6 में 2, फजल फारूकी ने 2 में 1 बार, शंटो को फारूकी ने 3 में 1 बार फंसाया है, मुजीबुर रहमान ने 5 में 2 बार, नबी ने पहली ही गेंद पर फंसाया है यहाँ पर, शकीब अल हसन को राशिद खान ने 3 में 1, नबी ने 5 में 1, मुजीबुर रहमान ने 6 में 2 बार। हृदय की बात करें राशिद खान ने 2 इनिंग में 1 बार, फारूकी ने 2 में 1 बार। बहुत दोनों ही टीम की अगर मैं गेंदबाजी देखूँ ना तो ज़बरदस्त है, मतलब ODI में आप उस लेवल पे नहीं जज कर सकते, लेकिन यहाँ T20 डिसाइड कर देगा किसकी गेंदबाजी में दादा दम, दोनों की ही टीमों की गेंदबाजी में बहुत तगड़ा दम है भाई, तो काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो गाइस यहाँ बात कर लेते हैं दोनों टीमें हेड टू हेड मुकाबले की, तो दोनों टीमों ने अभी तक हिस्ट्री में 9 मैच आमने सामने खेला है, 6 मैच जीता है अफगानिस्तान ने, 3 मैच जीता है बांग्लादेश में। तो अगर आप देखोगे आंकड़े तो अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा हैवी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन प्लेयर्स की अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो गुरबाज ने अच्छा परफॉर्म किया है हेड टू हेड में, जदरान ने अच्छा परफॉर्म किया, नबी ने, मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी यहाँ पर, फरीद मलिक। बांग्लादेश की तरफ से अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेयर देखें तो तस्कीन शकीब एंड हसन महमूद, इधर भी देख लेते हैं यहाँ पर देख लो गाइस शकीब अल हसन तो हर तरह से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे पहली चॉइस बनेंगे, जजाई इब्राहिम जादरान बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रस्टेबल प्लेयर है बैटिंग लाइन में अगर मैं बात करूँ, और इसके अलावा बात करेंगे राशिद खान मुजीबुर रहमान के स्टैट्स बहुत गजब के हैं। ठीक है, लास्ट मैच जो अफगानिस्तान हारा था ना वो इसीलिए हारा था क्योंकि राशिद नहीं थे उस मैच में। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा। मेरा प्रेडिक्शन बहुत क्लियर है गाइज, मुझे लगता है अफगानिस्तान इस मैच को जीतने वाली है, लास्ट 5 में से 3 मैच जीती है लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी 5 में से जीता है 4 मैच। अगर आप आंकड़ों पर जाओगे तो बांग्लादेश हैवी नज़र आ रही है, प्लस इनका होम ग्राउंड भी रहने वाला है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन जाता है अफगानिस्तान की तरफ, थोड़ा सा फेवर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इस मैच की बेस्ट पिक की बात कर लेते हैं, बेस्ट टीम क्या होने वाली है, स्क्रीनशॉट ले लेना, विनिंग टीम दे रही हूँ 100% तो नहीं कहूँगी, 60 से 70% तक की विनिंग टीम है, लिख के ले सकते हो, सेम टीम के भी साथ जाओगे तो विनिंग जबरदस्त होगी। विकेट कीपर में लिटन दास गुरबाज, बैटर में शंटो तालुकदार इब्राहिम जादरान, ऑलराउंडर में शकीब अल हसन मोहम्मद अबी, बॉलिंग सेक्शन में राशिद नसूम शोरीफुल एंड फजल अक फारूकी बेस्ट ऑप्शन यहाँ से रहने वाले हैं। कैप्टन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया शकीब अल हसन सबसे बेस्ट होंगे VC के लिए, वैसे ही मेरे पास राशिद सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप देख लो यहाँ पर अगर आपको GL के लिए रिस्क लेना है आप इब्राहिम जादरान मेरी तरफ से एकदम सेफ खिलाड़ी है आपके लिए जाने वाला है। तो आप चलो ग्रैंड लीग पिक की बात कर ही लेते हैं कि ग्रैंड लीग में किसको किसको करना है ट्राई, तो ग्रैंड लीग में शकीब राशिद फजल अक फारूकी शोरीफुल इस्लाम लिटन दास एंड रहमानुल्लाह गुरबाज, तो ये मेरे 6 खिलाड़ी हैं ग्रैंड लीग पिक के लिए। आपको ग्रैंड लीग टीम में विनिंग करनी है, अच्छी टीम बनानी है, बहुत सारे प्लेयर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, CVC में कन्फ्यूजन है, मेरे इन 6 प्लेयर में से किसी को भी पिक कर लो, कन्फर्म बता सकती हूँ इन 6 में से 3 से 4 खिलाड़ी इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको दिलाने वाले हैं गाइज, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि बाकी आपको पता है कि मेरी फाइनल टीम तो आएगी टॉस के बाद, लाइनअप के बाद जब हमें पता चलता है दोनों टीम की एग्जैक्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, टॉस जीत के बैटिंग बॉलिंग जो कौन सी टीम करने वाली है, तो उसके बाद फाइनल टीम आएगी, वो फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जिसने अभी भी नहीं ज्वाइन किया है ना टाइम है यार, फटाक से जाओ ज्वाइन हो जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन किया है,
फटक से ज्वाइन हो जाना है गाइज, किस बात की देरी। और आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई। इस मैच में आपका पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा, मतलब कि इस मैच में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन दिलाने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ईजी है कि इस मैच में मोस्ट विकेट कौन लेने वाला है। ये ईजी नहीं है, ये बहुत टफ रहने वाला है। हैशटैग लगा देना गाइज यहाँ पर, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, हैशटैग लगा के दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट करना शुरू कर देना। आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार दिखा देना अपने कमेंट में कि कितना प्यार आप हमसे, हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से, हमारे कंटेंट से, और आप तक जो हमारी टीम जो इतना मेहनत पहुँचाया जाता है वो आपको कितना पसंद आता है। तो फटाफट यार कॉमेंट करना शुरू कर दो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो।